सरका सोलंकी की बायोग्राफी और वेब सीरीज लिस्ट। सरका सोलंकी एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिन्होंने हिंदी मनोरंजन उद्योग में अपनी एक खास पहचान बनाई है। वह विशेष रूप से सीरीज नंबरी में दिशा के मुख्य किरदार के रूप में जानी जाती है, जो कि उल्लू पर प्रसारित हुआ था। अपने अपने करियर में उन्होंने 20 से अधिक सीरीज में काम किया है। सरका का जन्म और पालन पोषण मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और वह वहीं की रहने वाली है। यह हो सकता है कि वर्तमान समय में उन्होंने अपना स्थान चेंज कर दिया हो, लेकिन आगे बढ़ते हैं इस बायोग्राफी में। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना और कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस और मॉडल कौन है। प्रारंभिक जीवन और करियर के बारे में जानते हैं। सरका सोलंकी का जन्म 15 जनवरी 1995 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, यह तो आप जान चुके हैं। वह एक मध्य वर्गीय हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बचपन से ही उन्हें अभिनय और मॉडलिंग का शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन शो और फिल्मों में बैकग्राउंड आर्टिस्ट के रूप में की। शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया। वेब सीरीज और प्रसिद्धि कैसे हासिल की। सरका सोलंकी ने वेब सीरीज नंबरी से अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने दिशा का मुख्य किरदार निभाया था। यह किरदार दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ और इस वेब सीरीज ने उन्हें कई नई पहचान दी। इसके अलावा सरका ने काला खट्टा में भोली के किरदार से काफी सुर्खियां बटोरी। इस किरदार में उनकी मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अब जानते हैं जीवन शैली और उनके शौक। सरका सोलंकी को यात्रा करना और संगीत सुनना बहुत पसंद है। वह अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय रहती हैं, जहां उनके 1.22 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं। सरका अक्सर अपने फैंस के लिए खूबसूरत तस्वीरें और रील्स शेयर करती हैं। वह एक डॉग लवर भी है, अपने पालतू कुत्ते के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। अब जानते हैं उनके शारीरिक मापदंड के बारे में। उनकी ऊंचाई 5'6" है, ओके, यानी कि 1.67 मीटर। अब बात करते हैं उनके वजन की, तो वर्तमान समय में उनका वजन 58 किलोग्राम है, यानी कि 130 पाउंड। फिगर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 35-27-35। अब इसमें कुछ अनुमानित चीजें हो सकती हैं। सरका एक पारंपरिक हिंदू परिवार से आती हैं, लेकिन उनके माता पिता और भाई बहनों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल वह अविवाहित है और अपने करियर का ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओके, अब बात करते हैं करियर में संघर्ष और उनकी सफलताओं के बारे में। तो सरका ने अपने करियर में बहुत संघर्ष किया है, उनकी मेहनत ने उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ाई। उन्होंने शुरुआत में टेलीविजन के छोटे मोटे किरदार निभाए और बाद में वेब सीरीज में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर इस इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है। अब बात करते हैं उनकी काला खट्टा में भोली के रूप में सरका का रोल। काला खट्टा वेब सीरीज में सरका सोलंकी ने भोली नामक मासूम किरदार निभाया है। यह किरदार एक चतुर मामा की भांजी का है, जो उसकी चालों का शिकार बनती है, लेकिन अंत में उसे सबक सिखाती है। इस किरदार में सरका की मासूमियत और दमदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कुछ रोचक तथ्य। सरका सोलंकी मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1.2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। सरका को कुत्तों से बहुत प्यार है और अक्सर अपने पालतू कुत्तों के साथ समय बिताती हैं। वह ज्यादातर अपने सोशल मीडिया को अपने प्रोफेशनल काम के लिए इस्तेमाल करती हैं। सरका का सपना है कि वह आने वाले समय में और बड़ी बड़ी फिल्में और वेब सीरीज में काम करें। अब बात करते हैं भविष्य की योजनाएं, क्योंकि उन्होंने कुछ भविष्य की योजनाएं भी बना रखी हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं और आगे हम उनकी वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई वेब सीरीज में काम किया है तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी जानते हैं उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में।
तो सरका सोलंकी आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट में काम करने जा रही हैं और योजना भी बना रही हैं। वहां अपने अभिनय में नयापन लाने के लिए हर दिन मेहनत कर रही हैं। उनके फैंस को उनसे आने वाले समय में कई नए और दिलचस्प किरदारों की उम्मीद है। अब बात करते हैं कुछ आगे। उन्होंने कई वेब सीरीज में काम किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन नंबरी, जो कि 2024 में सीरीज रिलीज हुई थी। इस नंबरी वेब सीरीज में सरका सोलंकी ने दिशा का मुख्य किरदार निभाया है। इस सीरीज में उनका अभिनय बेहद दमदार और भावात्मक रहा, जिससे उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। कहानी की गहराई और सरका की परफॉर्मेंस ने इस शो को खास बना दिया। यह सीरीज उल्लू पर रिलीज हुई थी और इसे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। नंबरी ने सरका को एक नई पहचान दिलाई, उनकी लोकप्रियता में वृद्धि की। अब बात करते हैं काला खट्टा वेब सीरीज के बारे में, जिन्होंने उन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया। काला खट्टा एक दिलचस्प वेब सीरीज है जिसमें सरका सोलंकी ने भोली का किरदार निभाया है। भोली का किरदार मासूमियत और चालाकी का मेल है, जो कि एक कठिन परिस्थिति में अपने चतुर मामा का सामना करती है। इस सीरीज में सिल्का की एक्टिंग ने दर्शकों को प्रभावित किया और भोली के किरदार में उनकी मासूमियत ने शो को खास बना दिया। कहानी की जटिलता और थ्रिल ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। अब बात करते हैं तरस वेब सीरीज के बारे में, जो कि 2024 में रिलीज हुई। इस तरस वेब सीरीज में सरका सोलंकी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सीरीज की कहानी मानवीय इच्छाओं और समाज के जटिल संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज ने सरका ने अपने किरदार में गहराई और भावात्मकी की बखूबी उतारा है, जिससे दर्शक उनके अभिनय से जुड़ गए। तरस ने न केवल अपने सशक्त कथानक से बल्कि सरका ने शानदार प्रदर्शन से भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। अब बात करते हैं हम आखिरी वेब सीरीज के बारे में, साला। साला वेब सीरीज में सरका सोलंकी ने अपनी सादगी और भावुक अभिनय के दर्शकों का दिल जीत लिया। यह सीरीज स्कूल की यादों, दोस्ती और किशोर अवस्था के संघर्षों पर आधारित है। सरका ने इस शो में अपनी भूमिकाओं को इतने वास्तविक और सजीव तरीके से निभाया कि दर्शक उनकी कहानी से पूरी तरह जुड़ गई। साला ने उन्हें एक नई दिशा दी और उनके करियर में एक अहम मोड़ साबित किया। आशा करता हूँ ये बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और आप अपनी फेवरेट एक्ट्रेस या मॉडल को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।